हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चन की। अगेन मैंने लिया हुआ है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, न्यूमेरिकल मेथड्स का क्वेश्चन लिया हुआ है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मैंने ट्रिपल ऑर्डर का एक क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है, इफ फॉर एन इज इक्वल टू 3, यहाँ पे जो स्टेप हमारे पास दिया हुआ है, जो हमारे पास है सब इंटरवल्स दिया हुआ, वो 3 है। द इंटीग्रल 1 to 10 x पावर 3 dx इज approximately evaluated by trapezoidal rule and the value is what this. तो ये हमारे पास है solution, then the value of g. बहुत ही basic question है, बहुत ही आसान question है। तो ये आपके पास g की value आपको calculate करनी है, और calculate करके आपको g की value बतानी है कि g आपके पास answer में आ क्या रहा है, ठीक है ना। तो simple formula लगाना है, but मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे कैसे variety के question आप frame किए जा सकते हैं GATE exam में। आपको direct नहीं बोलेगा कि trapezoidal rule से answer लाओ, आपको कुछ इस type के question भी frame कर सकता है। तो आप इस type के question में जो एक होता है एक thought process की किस type की और variety हो सकती है GATE में, तो मेरे हिसाब से ये question बहुत ही अच्छा एक question बन सकता है। आसान है, बट आपको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालना है कि जी की वैल्यू एग्जैक्टली आपके पास आ क्या रही। ओके, थैंक यू।